नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तुम्हारे कान बजते हैं यार, वहाँ कोई भी नहीं है। फिर दरवाजा किसने नॉक किया? वो लड़की ठीक कह रही थी, इस कोठी में जरूर कोई रहस्य है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, इस कोठी में एक नहीं दो रहस्य हैं। दो? हाँ, जानती हो कौन से? मैं तू? मजाक छोड़ो यार, लगता है ये रात हम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। शिवाय तुम बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? तुम वीडियो कैमरा लाई हो? हाँ। शिवानी, तुम इसे पकड़ो क्विक। मनीष, तुम ये क्या कर रहे हो? मनीष प्लीज, मुझे आखिर बता तुम कर क्या रहे हो? तुम यहाँ बैठो और शूट करना शुरू करो। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? अगर ये रात हमने सही सलामत गुजार दी तो कल की सुबह एक राज से पर्दा हटा देंगे। तुम कैमरा ऑन करो, मुझे शूट करना शुरू करो। हाँ, दुनिया को बता देंगे कि यहाँ से लोगों के गायब होने का राज क्या है। हेलो, आई मनीष मल्होत्रा। इस बीरानी रात में खंडाले के पास एक कोठी में हूँ। यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि कोठी में कोई आता है और लोगों को गायब करता है। तो आइए आज की रात इस राज का पर्दाफाश करें। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा कोई आ रहा है। इस सुनसान कोठी का माहौल यकायक खौफनाक हो चुका है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। सन्नाटे को चीरती हुई कुत्तों के रोने की आवाजें, कदमों की आहट, मुझे घबराहट हो रही है। इस समय रात के 3 बजे हैं। कोई मेरी तरफ चला रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। उसके कदम की आहट मुझे महसूस हो रही है। वो मेरी तरफ पड़ रहा है। वो मेरी तरफ आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। एकदम मेरे सामने आ चुका है, बिल्कुल मेरे पास। अब मेरे सामने कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम था। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि इस कोठी में कोई रहस्य नहीं। इसी के साथ ही मैं मनीष मल्होत्रा इस आंखों देखे कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। देखा डाली, तुम बेकार ही डर रही हो और मुझे डरा रही। शिवानी, I love you, देखो सुबह होने का ही कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गए शिवानी। अब बड़ी धूमधाम से हमारी शादी होगी। अरे खुशी से भरा हमारा घर होगा, ढेर सारे बच्चे होंगे, हमारा घर पूजा। शिवानी, I love you, शिवानी रियली तुम आ गया। आओ शिवानी, कमिश्नर साहब, एक जोड़ा फिर गायब हो गया और इस बार भी आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ अफसोस जाहिर करके खामोश बैठा है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश नहीं बैठा है। आप अपने साथी की गलती, मनीष और शिवानी की क्या गलती है? जब उन्हें पता था कि उस इलाके से जोड़े गायब हो रहे हैं, तब उन्होंने ये रिस्क क्यों उठाया? हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं।
हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस झूठी तसल्ली से आम जनता को फुसला सकते हैं, हमें नहीं। कमिश्नर साहब, ये दो पत्रकारों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मनीष और शिवानी का पता नहीं लगाया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। धमकी देने की जरूरत नहीं, हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी कलम हमारे खिलाफ उठ जाएगी और पुलिस की बुराइयों से सारा पेपर भर जाएगा। हम किसी की बुराई नहीं, सच्चाई सच्चाई लिखते हैं। तो फिर इस केस की सच्चाई के बारे में क्यों नहीं लिखते? ये क्यों नहीं लिखते कि ये केस रूटीन नहीं है, इसलिए पुलिस को टाइम लग रहा है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जोश में आकर ऐसा कुछ मत करो, वरना पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। हमें अपने फर्ज और जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए हम आपके पास ज्ञापन देने आए हैं, वरना हम भी दूसरों की तरह तोड़ फोड़ और हड़ताल कर सकते थे। आई नो, इसलिए मैं पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट ले रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द हम इस केस को सॉल्व करेंगे। ओके, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल हम जाते हैं। थैंक यू। लगता है अब ये केस सीआईडी को सौंपना होगा। अरे पानी कहाँ से? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी? हाँ? ओके। ये पानी कौन फेंक रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ? अच्छा। अच्छा तो तुम हो? हाँ। अच्छा तो ये तुम्हारी हरकत है, यहाँ क्या कर रही हो? बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूँ। शुक्रिया। तुम्हारे मिलने का तरीका और बचकाना नहीं हो सकता? बचकाना? हाँ। क्यों, मैं तुम्हें सैल्यूट मारूं? नहीं, गोली मारो, पत्थर मारो, पानी मारो या फिर कुछ भी मारो। पानी? हाँ। मैंने कब मारा तुम पर पानी? तो फिर मेरी पीठ पे पानी कहाँ से गिरा? आसमान से गिरा क्या? Maybe, आसमान से तो पानी टपकता ही रहता है। वो भी इतनी धूप में? हाँ? धूप छाव का मुझे नहीं पता, बस मैंने पानी नहीं डाला। तो ये पानी तुमने नहीं फेंका? बिल्कुल नहीं। रियली? पक्का? पक्का। अच्छा तो अब देखो। हाँ अब क्या मुझे ऐसे ही सीने से लगाए रखोगे? दिल तो यही कहता है कि तुम्हें सारी उम्र इसी तरह सीने से चिपकाए रखूं। लेकिन तुमने तो मुझे पूरा भिगा दिया है। तुम्हारा बदन बाहर से भीगा हुआ है लेकिन अंदर से धधक रहा है। तुम्हारी पलकें शर्म से झुकी हुई हैं, फिर भी तुम्हारी आंखों में इकरार है कि आज शर्म की हर दीवार को गिर जाने दो। नहीं विक्रम, प्लीज। तुम्हारे इस इनकार में भी इकरार है, इसलिए मैं आज शर्म और हया की हर दीवार को गिरा देना चाहता हूं। ओह शिट। लो देखो, तुम्हारे गोली मारे बाप का फोन आ गया। हेलो सर। हाँ सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। ओके सर, मैं आ रहा हूँ सर। ओके बाय। डार्लिंग, तुम्हारे पापा का फोन है, कमिश्नर साहब का फोन है, अब तो हमें चलना ही पड़ेगा। चले? कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। क्या बात है कमिश्नर, कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ कि काफी परेशान से लग रहे हो। हाँ, उस खंडाला वाली केस की वजह से यार। खंडाला वाला केस? क्या हुआ उसे? वो केस सुलझने के बजाय उलझते जा रहा है। अब हमारे लोग भी अंधविश्वास की बातें करने लगे हैं, कहते हैं कोई मनहूस बंगला है। तो इसमें इतना परेशान होने क्या बात है यार? हो सकता है वहां कोई ऐसा बंगला हो जिसमें कोई प्रेतात्मा भटकती हो। कमान यार, तुम प्रोफेसर होकर भी आत्मा जैसी बातों पर विश्वास करते हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाई, मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और आत्मा पर ही रिसर्च कर रहा हूँ, समझे? तुम्हारे जैसे लोगों ने इंडिया को बैकवर्ड बना दिया है, फॉरेनर हंसते हैं हम पर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठो। हेलो अंकल। हेलो, हाँ बैठो। विक्रम, तुम्हें एसीपी कुलकर्णी ने फाइल दी? यस सर, मैंने उसे स्टडी भी कर लिया है, लेकिन ये केस मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है।
इसलिए तो ये केस मुंबई पुलिस को दिया गया, लेकिन मुंबई पुलिस भी इसमें बदनाम हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि इतने जोड़े गायब हो गए हैं, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क फेल हो चुका है। आई कांट से सर, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने अभी तक जो रिपोर्ट दी है उससे कुछ तो हल निकलेगा। रवीश, आई वॉन्ट रिजल्ट। अब तक अपराधी कटघरे में खड़ा होना चाहिए था, उल्टे हम ही जनता के सवालों के कटघरे में खड़े हैं। इसलिए लोगों की बातों में विश्वास करने में बुराई ही क्या है भाई, आत्मा भी तो कल्पित हो सकती है। अरे यार, तू तो आत्मा बनकर मेरे पीछे पड़ा है। समझा कर, हम कोई यहाँ आत्मा पर थीसिस नहीं लिख रहे। हर लम्हा कीमती है, पता नहीं कब किसकी जिंदगी के दरवाजे पर मौत दस्तक दे जाए। समझे, गायब जोड़ों की लाशें नहीं मिली, इसका मतलब ना उनका मर्डर हुआ है और ना ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। किसी के घर फिरौती का फोन भी नहीं आया, इसका मतलब उनका अपहरण भी नहीं हुआ है। फिर उनका हुआ क्या, उन्हें धरती निगल गई या आसमान? सर, मुझे लगता है कि हमें तफ्तीश की शुरुआत उसी जूनी कोठे से करनी चाहिए, क्योंकि तमाम केसों में शक की सुइयां उसी कोठे पर आकर रुक जाती हैं। यू आर राइट, गायब हुए जोड़ों की गाड़ियां उसी इलाके में मिली थी। फिर भी सर, मुझे लगता है कि अगर उस कोठे में कुछ दिन रुका जाए तो कोई ना कोई सुराग हमारे हाथ जरूर लगेगा। अगर शक कोठी पर है तो वहां तुम्हारा रुकना खतरनाक भी हो सकता है, अटैक तुम्हारे पर भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स सर, हम पुलिस वाला को इतना खतरा तो उठाना ही पड़ता है। भाई कमिश्नर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं भी इनके साथ चला जाऊं। जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, काम और फर्ज के मामले में मैं दोस्ती यारी को नहीं मानता। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो गोली मार दूंगा। भाई ये तुम्हारी आदत तो मैं कॉलेज की तरह जानता हूँ। Then all the best. Thank you very much, sir. कहाँ जा रहे हो? मैं खंडाला जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। नीलो, मैं वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो क्या हुआ? देखो नीलो, तुम बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ इसीलिए तो तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रही हूँ। देखो नीलू, मैं जिस मिशन में जा रहा हूं ये मैं भी जानता नहीं कि मैं वहां से जिंदा वापस लौटूंगा भी या नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रही हूं। और डार्लिंग, मेरी फिक्र छोड़ो, प्रोफेसर साहब भी मेरे साथ में जा रहे हैं, वो हमेशा साय की तरह मेरे साथ में रहेंगे। साय तो फिर भी साथ छोड़ दिया करते हैं, मैं तुम्हारे साथ सांसों की तरह रहूंगी। देखो नीलू, मैं जिस मिशन में जा रहा हूं वहां से कई जोड़े गायब हो चुके हैं। अगर तुम अपने मिशन में कामयाब होना चाहते हो तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पे क्या करोगी? मैं तुम्हारे साथ कपल बनकर जाऊंगी, फिर हो सकता है कि तुम पर भी अटैक करें और तुम मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाओ। रियली, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम वाकई एक पुलिस कमिश्नर की बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान को जोखिम में डालकर अपनी कामयाबी कभी नहीं चाहूंगा। और मैं अपनी जान के डर से तुम्हारी नाकामयाबी कभी नहीं चाहूंगी, इसलिए मैं हर कीमत पर तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारे पापा को कौन मनाएगा? पापा को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लाओ मोबाइल। रियली? ऑफ कोर्स। लो, अपने गोली मार पापा से बात करो। हेलो पापा, मैं नीलू बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। पापा, मैं विक्रम के साथ खंडाला जाना चाहती हूँ। क्या विक्रम पागल हो गया क्या जो तुम्हें साथ में खंडाला लेके जा? वो मुझे नहीं लेके जा रहा है पापा, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटी, विक्रम एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? पापा जल्दी से हाँ करते हैं कि नहीं, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, चली जाओ बेटी। ठीक है, फिर खिलाड़ी के हाथ से मेरा सूटकेस भिजवा देना, मैं बाड़ू को पैकिंग के लिए फोन पर समझा दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, पहले विक्रम को फोन दो। थैंक यू पापा, आई लव यू। बात करो। हेलो। हाँ विक्रम, नीलू तुम्हारे साथ खंडाला जा रही है, उसका ख्याल रखना। ओके सर, बाय। तुम्हारा बाबी क्या ग्रेट आदमी है। कमान डाले कमान। ये क्या है बाड़ू? ये हॉल है, ये धोबी घाट बना रखा है, ये क्या कर रखा है सत्यानाश? मैडम मेरे को मत बोलो इस बारे में, पहले ही छोटी बेबी ने दिमाग खराब किया है मेरा। क्यों, क्या किया है उसने? अरे पूछो क्या नहीं किया, पहले एक घंटे तक बेडरूम बेडरूम से हाल में घुमाया, फिर फोन पर कपड़ा सिलेक्ट करता है। बाहर जाना था तो पहले बोलना था ना। बाहर? कहाँ बाहर गई है वो? मेरे को क्या मालूम, साहब से पूछो ना। ठीक है मैं साहब से पूछती हूँ, तुम तब तक ये समेटो। हाँ। अच्छी तरह समेट कर रखो। जी मैम।
अजी सुनो, ये नीलू कहाँ गई है? खंडाला गई है। खंडाला गई है? ये अचानक खंडाला किस लिए चली गई अकेले? अकेले नहीं, विक्रम के साथ गई है। विक्रम के साथ? हे भगवान, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं है? अरे अकल तो होगी, तभी तो कमिश्नर बना हूँ। तुम्हारी अकल तो हवलदार बनने लायक भी नहीं है। क्या करता, वो विक्रम के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। क्यों, दूसरों के सामने तो बड़ा रौब दिखाते हो, हर वक्त गोली मारने की बात करते हो, और बेटी के सामने तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये तो दुनिया का दस्तूर है मैम साहब, या तो आदमी अपने औलाद से हारता है या अपनी बीवी से। देखो मैं गुस्से में हूँ, मुझे छेड़ो नहीं, आने दो उस विक्रम के बच्चे को। शादी से पहले ही हनीमून? क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारा उन दोनों पर विश्वास नहीं है? उन पर भरोसा है, पर नई जवानी धधकती आग की तरह होती है, समझे? वही किसी पीटी पुराने बातें करती हो। अब तक तो बेटी की तरफदारी करते थे, अब उस विक्रम की भी तरफदारी करने लग गए। तरफदारी? तरफदारी की बात नहीं है, विक्रम ऑन ड्यूटी गया है उस खंडाला वाली केस की तहकीकात करने। क्या, हे भगवान, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? पता नहीं उन्हें छोड़ा समझा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शारदा तुम फिक्र मत करो, प्रोफेसर चावला भी उनके साथ गए हैं। हे भगवान, ना जाने वो किस हाल में होंगे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? उस लड़की को तुम देख रही हो? प्रोफेसर को उठाऊं? नहीं, खिलाड़ी। जी साहब। जी नीचे उतरो। जी जी साहब। जी खिलाड़ी, तुम उस लड़की को देख रहे हो? जी हाँ साहब जी, देख रहा हूँ। उससे बंगले का पता पूछ के आओ। जी साहब। जी जी, ये वही लड़की तो नहीं है जो गायब कर देती है? तुमसे जो कहा है ना वो करके आओ, जाओ। जी साहब। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सीखी क्यों? तुम्हें देखकर मैं क्या भूतनी लगती हूँ? तुम्हारा गाना लगता है। अबे तेरे जैसे शहरी लोगों को मैं कोठी छोड़कर आती हूँ। सच सच बता, तू कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहा था? मैं अनाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ और जूनी कोठी का पता पूछने आया था। अबे खिलाड़ी नंबर वन, तू तो एकदम अनाड़ी है रे। फिर तो उस सुनसान कोठी के पीछे दीवाना बस्तारा क्यों हो रहा है रे? सुनसान कोठी नहीं, जूनी कोठी। अबे बिन बादशाह के गुल्लू, वो जूनी कोठी अब सुनसान कोठी है। रात में वहाँ जो जाता है गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? तुझे भी गायब होने का शौक है रे? नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे साहब को है। मुझे खाली पता बता दीजिए। आओ मेरे साथ, मैं वही जा रही हूँ। तो पैदल को जा रही हो? पैदल को जा, गाड़ी में चलो ना। आओ आओ आओ, चलो आ जा, भाग के आ जा। साहब जी मैं ले आया। अबे तुझे जूनी कोठी का पता पूछने भेजा था, तू पूरा पार्सल उठा के ले आया? साहब जी ये पार्सल, मतलब ये लड़की भी उसी पते पर, मतलब उसी कोठी पर जाएगी। अच्छा? साहब जी इसे कार में बिठा लेना। तुम उस कोठी में रहती हो? अरे नहीं नहीं साहब, उस कोठी में तो आत्मा रहती है, मैं तो वहाँ खाना देने जाती हूँ। किसे? आत्माओं को। साहब दिकोस्टा बाबा को। ये दिकोस्टा बाबा कौन है? अरे वही तो उस कोठी की देखभाल करते हैं। लोगों ने तो बहुत समझाया कि अब उस कोठी को छोड़ दो, लेकिन वो मानते ही नहीं। जरूर उसमें कोई राज होगा। अब क्या राज है साहब, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं साहब, आप और मेम साहब रात को वहाँ रुकेंगे तो नहीं? हाँ क्यों? अब आपने वहाँ रुकने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ। चलिए